स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। मैं करवा रही थी रिलेशन एंड फंक्शंस, तो आज करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? पहला क्वेश्चन है एक्स बाय थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू फाइव बाय थ्री कॉमा वन बाय थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर आपको याद होगा फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था इक्वलिटी ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट। तो क्या होता अगर आपका ऐसे दिया है ऑर्डर पेयर में, तो a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई। क्लियर? a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन क्या है, इक्वलिटी ऑफ x बाय थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू फाइव बाय थ्री वन बाय थ्री। तो क्या कहा मैंने, इक्वलिटी ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट। तो मतलब x वाला x के साथ इक्वल कर दीजिए और y वाला y के साथ, तो क्या आ जाएगा x बाय थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री, और दूसरा y माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय थ्री। अब आपको पता ही होगा कि एलसीएम करना है थ्री, तो इसको भी थ्री ले लीजिए, तो ये भी थ्री हो जाएगा, ये सारा थ्री और थ्री क्या हो जाएगा कट। तो x इज इक्वल टू थ्री उधर ले जाइए, कितना आ जाएगा फाइव माइनस थ्री टू। सिमिलरली ये वाला कि अगर थ्री वाई इधर ले जाएंगे, थ्री y माइनस टू अपॉन थ्री, ये और ये थ्री क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। क्लियर? टू उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी वन। ये है आपकी x और y की वैल्यू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इफ सेट ए हैज एलिमेंट थ्री, सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने एलिमेंट है थ्री, एंड सेट बी फोर फाइव सिक्स। तो पता ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं थ्री, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए कार्टिजन बी। कार्टिजन क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो क्या होगा एन नंबर ऑफ ए कार्टिजन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, कितना हुआ थ्री इंटू थ्री, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है नाइन। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड वन, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो सिंपल है, पहले ए इंटू ए करिए, फिर ए इंटू ए जो आएगा उसको क्या करना है ए से फिर से मल्टीप्लाई। तो अब थर्ड क्वेश्चन, पहले ए क्रॉस ए करते हैं। अब कार्टिजन मैंने क्या बताया, माइनस वन वन मल्टीप्लाई माइनस वन वन। तो क्या बताया, माइनस वन टू माइनस वन, माइनस वन टू वन, वन टू माइनस वन और वन टू वन। क्लियर? ये हुआ आपका ए क्रॉस ए। अगर इसको फिर से करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, फिर से आप माइनस वन को फिर से वन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ये ए है और ये पूरा क्या है ए क्रॉस ए। अब कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ माइनस वन, तो ये माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को इसके साथ माइनस वन, तो ये माइनस वन और वन आ जाएगा, फिर माइनस वन इसके साथ माइनस वन वन और माइनस वन आ जाएगा, फिर माइनस वन इसके साथ माइनस वन वन वन। सिमिलरली वन को फिर से वन को करेंगे तो माइनस वन और माइनस वन के साथ। क्लियर? फिर से वन को करेंगे माइनस वन के साथ, फिर से वन को करेंगे वन वन और माइनस वन के साथ, और लास्ट वन को वन वन के साथ। ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। क्लियर? फर्स्ट लेक्चर में नहीं समझ आता तो वहां पे जाके देखिए। क्लियर? अब नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए कार्टिजन बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको क्या बताया था मैंने, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या बताया था कि जो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, जो ए और बी एलिमेंट है सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर? ये बताया था। तो मतलब सिंपल है कि जो सेट ए है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका कार्टिजियन फॉर्म में, तो ए ए ए बी ए ए बी बी, तो वो क्या है ए और दूसरा क्या है ए, रिपीट नहीं करना, ए और बी, ये है आपके एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट बी के सेकंड एलिमेंट इनका
कार्टेशियन फॉर्म प्रोडक्ट एक्स वाई एक्स वाई, तो बी के एलिमेंट क्या है सेट बी के एक्स एंड वाई, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू वन टू, बी इज इक्वल टू थ्री फोर, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी? तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी करना है, तो ए इज इक्वल टू फिफ्थ क्वेश्चन वन टू, बी इज इक्वल टू थ्री फोर, डायरेक्ट करना है तो फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हुए टू इंटू टू, एन ए इंटू एन बी कितना हुआ फोर आ गया। तो आपको क्या बताया था मैंने सबसेट में बताया था कि सबसेट कैसे निकालते हैं टू रेस टू पावर एम इंटू एन, तो कितना आएगा टू रेस टू पावर किसका निकालना है ए क्रॉस बी का निकालना है, तो ए क्रॉस बी कितना है फोर, तो कितना हुआ नंबर ऑफ सबसेट कितने बने सोलह, टू रेस टू पावर फोर कितना हुआ टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्सटीन, क्लियर हुआ? सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप आपको खुद भी आ जाना चाहिए क्योंकि जब कंसेप्ट कराया है तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर? नेक्स्ट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज अ नाइन एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड माइनस वन एंड जीरो एंड जीरो एंड वन, फाइंड सेट ए। अब क्या है अगर मैं करूं ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने हैं नाइन, अब मुझे पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी, क्लियर? तो यहां क्या होगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, क्लियर? तो अगर आप इसको एक्स भी लेते हो तो एक्स इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया नाइन, तो नाइन कितना आया थ्री, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने आए थ्री, तो अब अगर आपके नंबर थ्री एलिमेंट्स है तो क्या क्या बनेंगे आपको दिख रहा होगा माइनस वन जीरो और वन, क्लियर हो? ठीक है चलो थोड़े से और करते हैं। ओके नेक्स्ट करते हैं ए इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड वन फोर्टीन तक डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और जहां पे एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, क्लियर? आप देखिए के की वैल्यू जितनी भी डालेंगे एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, अगर रिलेशन लिखा है एक्स वाई सच दैट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई कहां बिलोंग करना चाहिए ए के एलिमेंट्स। आप देखिए रिलेशन क्या बनेगा, अगर मैं वन डालती हूँ एक्स की वैल्यू वन डालती हूँ तो यहाँ पे वाई कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, ठीक है? ये ऐसे बन रहा है वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो अगर एक्स की वैल्यू वन से लेकर फोर्टीन तक डालनी, अगर एक्स वन डालोगे तो वाई कितना जाएगा थ्री, एक्स टू डालोगे तो वाई कितना जाएगा सिक्स, एक्स थ्री डालोगे तो वाई कितना जाएगा नाइन, एक्स फोर डालोगे तो वाई कितना जाएगा ट्वेल्व, एक्स फाइव डालोगे तो वाई कितना जाएगा फिफ्टीन, तो ये नहीं लूंगी मैं, क्यों? क्योंकि जब आप एक्स की वैल्यू फोर डाल रहे हो सॉरी फाइव डाल रहे हो तो वाई कितना आ रहा है फिफ्टीन, तो कहां से ए से ए का जो एलिमेंट है कहां से लेकर कहां तक है वन से लेकर फोर्टीन तक, तो आप इतना ही लोगे, तो रिलेशन कितना है वन थ्री टू सिक्स थ्री नाइन फोर ट्वेल्व। अब बताया राइट डाउन द डोमेन रीजन को डोमेन, तो मैंने क्या बताया था डोमेन होता है तो जो भी आपका ऑर्डर पेयर होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्लियर? तो डोमेन है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, क्लियर? रेंज ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट तो क्या है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ट्वेल्व, लास्ट कोडोमेन, कोडोमेन क्या बताया था सेट ऑफ डी, तो क्या है वन टू लेकर फोर्टीन तक, तो कोडोमेन हुआ वन टू थ्री एंड सो वन फोर्टीन, क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट है ये भी है आपके पास फिगर पी एंड क्यू, आपके पास दो ये पी के एलिमेंट्स है ये क्यू के एलिमेंट है और आपसे पूछा है कि अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अब देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर एट पी के जो एलिमेंट है फाइव सिक्स एंड सेवन, क्यू के जो एलिमेंट है थ्री फाइव एंड फोर, क्लियर है?
लिए, मैंने पहले भी कहा था कि सेट विंटर फॉर्म के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी का लगना जरूरी है, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो फर्स्ट इसका फाइव है, फाइव में दो कम कर देंगे तो कितना आ रहा है थ्री, सिक्स में दो कम करेंगे फोर, और सेवन में टू कम करेंगे तो फाइव आ रहा है, क्लियर। तो मतलब क्या बन रहा है रिलेशन इनके बीच कि एक्स वाई सच दैट, आप वाई कैसे निकलेगा जो नेक्स्ट वाई की जो एलिमेंट है, एक्स की जो एलिमेंट है उसमें कितना कम करना पड़ेगा टू कम करना पड़ेगा, और जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है पी से, एक्स के जो एलिमेंट है किससे बिलोंग कर रहे हो पी से, क्लियर। अब ये तो आपका कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्या कहा, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी है, फाइव थ्री सिक्स फोर सेवन फाइव, मैंने रोस्टर फॉर्म बताया था कि कार्टिजन प्रोडक्ट में, सॉरी ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ये है आपका रोस्टर फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब, इसके बीच रिलेशन बताना है अगर एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन टेन, और उसको किस में लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन टेन तो क्या हो गए, नेक्स्ट लाइन एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन टेन टू थ्री फाइव एंड सेवन, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन टेन कि प्राइम नंबर जो टेन से छोटे है, ये हो गए। अगर रिलेशन क्या बनेगा, अब देखिए रिलेशन एक्स और एक्स क्यूब में, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू टू डालू तो दो का क्यूब कितना हुआ आठ, एक्स की वैल्यू थ्री डालू तो थ्री का क्यूब कितना हुआ ट्वेंटी सेवन, एक्स की वैल्यू फाइव डालू प्राइम नंबर डालू फाइव का क्यूब कितना हुआ वन ट्वेंटी फाइव, एक्स की वैल्यू सेवन डालू तो सेवन का क्यूब कितना होता है थ्री फोर्टी थ्री, तो यही आपका कौन सा फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, क्लियर। एक लास्ट रहता है फाइंड द रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस। अब मैंने क्या कहा था नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स किसमें ए क्रॉस बी में, क्लियर। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने एलिमेंट्स है टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना हुआ सिक्स टू इंटू थ्री, क्लियर। अब नंबर ऑफ रिलेशन मतलब नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू रेस टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, पहले भी करवाया हुआ है ठीक है, प्रीवियस जो वीडियोस बने देख लीजिएगा, टू रेस टू पावर नंबर ऑफ ए कार्टिजन बी, तो कितना निकला मेरा ए कार्टिजन बी टू रेस टू पावर कितना हो जाएगा सिक्स, तो टू रेस टू पावर सिक्स कितना होता है सिक्सटी फोर, क्लियर हो। ये थे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, क्लियर। समझ आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना।